करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है, मैं क्रॉस करूं लाइन, तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा कि एक्चुअल में आज मैं इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत सारे मार्वल डीसी से अपडेट हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, ओटीटी अपडेट्स हैं जिन पर मेरे को वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। और देन जो मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि एक्चुअल में इशू क्या था कुछ दिनों से। पर जो एक्चुअल में यूट्यूब पे फॉलो करते हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल एक्चुअली में हैक हो गया था, एजी मीडिया न्यूज़, जिस पर आप रेगुलर मार्वल डीसी ओटीपी अपडेट्स देखते हैं। जो कि यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता नहीं होगा, उनके लिए बात है। अब चैनल हैक कैसे हुआ, अगर आप एक क्रिएटर हैं, आपके 5000 सब्सक्राइबर हैं, चाहे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, आपका चैनल हैक हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल में 2-step वेरिफिकेशन नंबर डाला हुआ था, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस था, ठीक है, उसी के साथ एक और ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस था। पर जिस बंदे ने क्रैक करा इसको और जिस बंदे ने हैक करा उसने सारी चीज़ें रिमूव कर दी और मेरा चैनल हैक हो गया। अब चैनल एक्चुअल में हैक कैसे हुआ, मैंने क्या गलती करी, अगर आप एक क्रिएटर हैं और आप यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं तो अगर आपको भी वो गलती कहीं ना कर दें तो आप आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें इजीली देख सकते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अब चैनल कैसे वापस आया, बहुत शॉर्ट टर्म्स में बताऊंगा कि चैनल जब हैक हो जाता तो क्या करना चाहिए। और देन जो सपोर्ट मिलता है वो भाई बहुत इनक्रेडिबल है और मैं क्या बताऊं, मैं किस लव से आपको थैंक यू बोलूं। तो सबसे पहले चैनल कैसे रिकवर हुआ आपको बताता हूं शॉर्ट में। एजी मीडिया न्यूज़ चैनल जैसे हैक हुआ था तो मॉर्निंग में तुरंत ही एक बंदे ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने चेकआउट करा अपने पीसी पर कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हुआ लॉगिन। मैंने अपने सुपर हीरो कम्युनिटी, अगर आप जिस कैटेगरी का यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उस कैटेगरी के लोगों से भी दोस्ती करें जो कि आपको उन्हीं के साथ रहनी है, थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है हर चीज़ में, कंटेंट में, क्वालिटी में, वीडियोस में, सजेशन में, सब चीज़ में। तो जैसे मेरा चैनल हैक हुआ तो मैंने सभी क्रिएटर्स को कॉल लगाया और जिसमें कि सबसे पहले मैंने सुपर को कॉल लगाया, अमन को, फिर देसी नट को, पीजे एक्सप्लेन को, सचिन निगम को, चेंजिंग एओआर, सुपर एक्सपो, सुपर हीरो फैन इंडिया को, और भी सारे क्रिएटर्स थे जिसमें कैप्टन बी2 और भी बहुत सारे क्रिएटर थे, सबको कॉल लगाया, सबने दिलासा दिया कि भाई टेंशन मत लो, चैनल आपका वापस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सुपर एक्सपो का चैनल हैक हो चुका है, तो आप निश्चित रहिए। पर क्या करें यार, 6-7 साल की मेहनत थी और दिन मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, मेरे संग ऐसा पहली बार हुआ था तो मैं तो भाई बहुत घबरा गया, तो मैं सब मुझे समझाने में लगे थे पर मेरे को दिल से तो भाई दुख हो रही थी कि क्या हुआ। पर फाइनली एक बंदा था सोनिक्स ठाकुर जिसके अराउंड 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ऑफिशियली ब्लूटेक भी है उनके पास, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी, ठीक है। उन्होंने पर्सनली आके मैसेज करा और मैं सरप्राइज हूँ कि भाई मतलब बंदा अपने आप से आके मैसेज करता है और बोलता है मुझसे कि आप टेंशन मत लो, रिसेंट में मेरा चैनल भी हैक हुआ था, आप सबसे पहले ट्वीट करें। तो मैंने टीम यूट्यूब को ट्वीट करा और देन मेरे जितने भी लवली यार आप सबका थैंक यू, आप सभी ने मेरा ट्विटर पर यानी रिट्वीट करा, यूट्यूब टीम इंडिया को टैग करा, गूगल टैग करा और तुरंत ही 5 मिनट के अंदर मेरे पे गूगल का मैसेज आता है और यूट्यूब का मैसेज आता है कि आप निश्चित रहिए, अपना ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस दीजिए जिससे कि हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। और 24 घंटे के अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है तो वो मैंने फॉर्म फिल करा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको अगर आपका चैनल हैक हो चुका है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और आप ट्वीट करें, सबसे पहले फॉर्म फिल करें और फाइनली 72 घंटे के अंदर मेरा चैनल वापस आ गया। और थैंक यू सो मच यार सभी क्रिएटर्स का जिसने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी स्टोरीज डाली, पीजे एक्सप्लेन, कॉमिक बर्स, इन सबों ने तो स्टोरी डाली, सभी क्रिएटर्स ने मेरे रिट्वीट करे, सभी सब्सक्राइबर ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया कि फाइनली 72 घंटे के अंदर ही मेरा चैनल रिकवर हुआ। अब आज कौन सी तारीख है, आज है 17 तारीख 17 और 17 से पहले 16 15 तारीख को मेरा चैनल दोपहर में 3 बजे वापस आया, रिकवर हुआ और सभी क्रिएटर्स ने मुझे तुरंत ही कॉल करना चालू कर दिए, सब्सक्राइबर ने सभी ने मेरे को मैसेज करना चालू कर दिया भाई आपका चैनल रिकवर हो गया। मैंने तुरंत ही भाई स्टोरी डाली, मैंने कि होल्ड करो, रुक जाओ, थम जाओ, चैनल पहले रिपोर्ट मत करना उस पर, ठीक है, क्योंकि उसका चैनल का डिस्क्रिप्शन चेंज था, चाइनीज में था, नेम चेंज था, चाइनीज में था, लोगो चेंज था, ठीक है, वीडियोस नहीं थी, प्लेलिस्ट नहीं थी, प्लेलिस्ट में वीडियो शो हो रही थी पर वो अनलिस्टेड थी, तो मुझे लगा कि शायद हैकर ने उसको ओपन कर दिया दोबारा। पर फाइनली पता चला कि एक्चुअली में 3 बजे यूट्यूब ने चैनल रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे उस पर अराउंड वीडियोस आती जा रही थी। मेरे चैनल पे अब तक 1374 से ज़्यादा वीडियोस हैं मार्वल डीसी ओटीटी अपडेट्स की, हॉलीवुड बॉलीवुड भी अपडेट हैं छोटे छोटे, पर सबसे ज़्यादा मार्वल डीसी का कंटेंट क्योंकि मेरे को यार बहुत पसंद है तो उससे ज़्यादा रेटेड कंटेंट था, तो वो वीडियो रिकवर होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी भी आप अगर आप चेकआउट करोगे तो अगर 700 से ज़्यादा वीडियोस अभी भी रिकवर हैं, बाकी करना बाकी है अगर आप अभी प्रेजेंट में ये वीडियो देख रहे हैं तो, अभी भी बहुत सारी वीडियो रिकवर करनी है।
तो बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सभी सब्सक्राइबर और सभी क्रिएटर्स के लिए। और देन जिन जिन क्रिएटर ने मुझे सपोर्ट करा, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, पर जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ही अच्छा सबका नेचर है। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस साल 2022 में फाइनली 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। और देन फाइनली गाइस बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब से चैनल हैक हुआ है तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हट भी गए हैं, पता नहीं कैसे हटे, या अनसब्सक्राइब कर दिया या हैकर ने कुछ करा है, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, और देन अब बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर वीडियो आनी है तो उस पर फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी क्रिएटर एंड सब्सक्राइबर को। तो गाइस इसी तरह मिलते हैं, अगर बैकग्राउंड पसंद आए तो बताना। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये वीडियो देखा, अगर मैं चश्मा पहनता हूँ तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ये क्या ऑड लगता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये दोनों चीज़ें भी बताना, और इसी बैकग्राउंड में मैं वीडियो बनाया करूँगा और आके फोकस करेंगे। और भी थोड़े सजेशन दे सकते हो कि मैं अपने बैकग्राउंड में या फिर किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच, सजेशन देना, और वंस अगेन थैंक यू।